हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुक एंड ब्लॉग। आज मैं आपके साथ कच्चे आम की लौजी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे कच्चे आम का मुरब्बा या कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी या कच्चे आम का गलका भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके लिए सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा लहसुन, फिर पचफोरन मसाले। पचफोरन मसाले में अजवाइन, राई, मंगरेल, जीरा और सौंफ आती है। उसके बाद हम रेड चिली डालेंगे। फ्रेंड्स, जो पचफोरन मसाले होते हैं वो बाज़ार में आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। फिर आम डालेंगे, नमक डाल के हल्का सा इसे चलाएंगे और इसे चला के फिर हम लो फ्लेम पे इसे ढक के अधपका पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अब अधपका पक गया। मैं इसे चेक कर ली हूँ, ये आधे पक गए हैं। अब इसमें मैं पानी डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च कलर के लिए, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा धनिया का पाउडर। अब इन सब मसालों को डाल के मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। सब अच्छे से चलने के बाद अब मैं इसे फिर से चेक करूँगी, थोड़े से नॉर्मल फ्लेम पे इसे फिर से थोड़ा पकाऊँगी और अब इसमें गुड़ डालूँगी। गुड़ अच्छे से चला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे थोड़े देर के लिए ढक दूंगी, जब तक कि ये पकने जाए। एक बार इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेना है कि इसकी ग्रेवी कैसी बनी है। आपकी ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे ग्रेवी थोड़ी हल्की या थोड़ी गाढ़ी कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी ग्रेवी एकदम अच्छी और रेडी तैयार हुई है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थैंक यू।